नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपका बहुत अच्छा सवाल है, तो आप इसे आसानी से सीखे कैसे बनाते हैं मनोरंजन के साथ, हंसी खुशी के साथ। आप डरने की कोई बात नहीं, हंसते खेलते आप सवाल को बनाए और परीक्षा को पास करें और सक्सेस हो जाए। क्वेश्चन है, गीता ने एक थैला को अंकित मूल्य के 20% के बट्टे पर दो बार बट्टा दिया। बट्टा का मतलब क्या होता है? बट्टा का मतलब छूट होता है। कोई भी वस्तु 100 रुपया का है, 20% छूट दिया था, इसका मतलब वो 80 रुपया में बेच रहा है, तो दो बार बट्टा देता है 20 रुपया, 80 रुपया का फिर 10% छूट दे देगा, तो आपको जो 8 रुपया फिर छूट हो जाएगा। तो अंकित मूल्य आपका दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है? करें मूल्य सीपी निकालना है। सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अंकित मूल्य यह दिया हुआ 1400 रुपया, इस 1400 रुपया पर 20% छूट दे रहा है, तो अगर 100 रुपया में 20 रुपया छूट दे रहा है, 100 रुपीज में 20 रुपया छूट दे रहा है, तो कितना बचा? 80 रुपया बचा, 80% बचा। तो इसको 80% पर निकाल दीजिए, 80% पे आपको निकालना है, क्योंकि 20% छूट दे दिया, फिर 10% छूट दे रहा है, दो बार आपको छूट दे रहा है, तो आपको आसानी से खुश होकर के इस सवाल को बनाना चाहिए, क्योंकि आपको दो बार छूट दे रहा है, दोबारा छूट दे रहा है 10%, 100 में 10 छूट दे दिया, तो कितना बचा? 90 रुपया बचा। अब इसे गुना भाग करें, आपका आंसर आपके हाथ में है, या कट गया कट गया, या सुना कट गया, क्या बचा? 9×72 कर दीजिए, तो आपका आंसर आपके हाथ में है, तो आपका हाथ में कितना आंसर आएगा? 14×28 से 112 2 114, तो ये रहा कितना? 1448 रुपया, 14×28 की 8, 14×75 98 और 200, यानी कि 1008 रुपया आपका आंसर आ गया। तो ये रहा सवाल आपके लिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ के संख्यात्मक मान के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप ऐसे सवाल को छोटा सा ट्रिक से बना सकते हैं, फॉर्मूला याद रख के बना सकते हैं, जैसे मन हो आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, परीक्षा में कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आपका सवाल जो है आपसे नहीं बन पाता है। इसलिए आप दो प्रोसेस से हमेशा सीखेंगे, दो विधि से सीखेंगे, तो जरूरी एक ना एक विधि आपको याद रहेगा, और आप दोनों से कोई एक विधि लगाकर सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। दूसरी बात है कि हम परीक्षा में आंसर को चेक करते हैं, क्या मेरा आंसर सही है, दोनों प्रोसेस से बना के देख लेते हैं, आंसर एक ही आता है, या हम जान जाते हैं कि मेरा आंसर सही है। तो मैं इस फॉर्मूला पर बताता हूँ, अगर जो मेरा क्वेश्चन में लाभ हो तो यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह रखेंगे, माइनस लगाएंगे, यदि आपका क्वेश्चन में हानि रहेगा तो आप इस यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस कर देंगे, सेम सूत्र से दोनों टाइप का सवाल शुरू होगा, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। आप याद रखें, लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम होगा, हानि हो रहा है तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा होता है, ये जो है 96 रुपया विक्रय मूल्य है, तो जब हानि होगा तो 94 से ज्यादा निकलेगा, ज्यादा कब निकलेगा? जब आप ही 50 को इसमें जोड़ेंगे तब निकलेगा, और जब लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य 96 रुपया से कम होगा, 94 रुपया से कब कम होगा? जब आप इसमें 50 रुपये माइनस करेंगे। तो इसमें सवाल को सोल्व करते हैं, 10 रूट अंडर एक्स का मान यही एक्स हो गया 96 प्लस 25 माइनस 50, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 10, इसको जोड़ेंगे 9×6 15, 9×2 11 1 12, 15×5 9×2 11 1 12 माइनस 50, 6×5 11 1 हुआ, तो 121 का वर्गमूल हो गया, 11 आएगा ऐसा से माइनस 50, 11×10 करेंगे 110 आएगा, 110 में 50 माइनस करेंगे आपका आंसर आ गया 60 रुपया। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, यदि आपको नहीं याद है तो आपको दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ बनाने के लिए, या दूसरा तरीका क्या है बनाने का, फॉर्मूला को हटा दीजिए, बिना फॉर्मूला को सवाल को सोल्व कीजिए, बिना फॉर्मूला को सवाल को कैसे सोल्व करते हैं? आप ये 96 है, 96 का गुणनखंड कीजिए, 96 का गुणनखंड जो होता है क्या होता है? 16×96 एक गुणनखंड ये आ गया, एक हो गया 12×96 एक 16×6 आ गया। आपको दोस्तों याद रखना है वही संख्या आपका आंसर आएगा, जो कि एक फर्स्ट डिजिट, दोनों का फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए तब आपका आंसर निकलेगा, यदि फर्स्ट डिजिट सेम नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। गुणनखंड तो दोनों है, लेकिन इसमें दोनों फर्स्ट डिजिट जो है, पहला डिजिट जो है वह सेम नहीं है, इसलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर इसमें से होगा। इसमें से आंसर होने के लिए आपको क्या करना है, इसमें 16×96 आ गया, आप इसमें जो है हानि का आंसर होगा
और ये जो है आपका लाभ का आंसर होगा। क्वेश्चन में आपको लाभ पूछ रहा है या हानि पूछ रहा है, आपका दोनों आंसर दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन में लाभ का आंसर दिखाई दे रहा है, आप इसको लिखे 6 और इस पे एक जीरो बैठा दे, आपका आंसर 60 रुपीज हो गया। यदि हानि बोलता तो 16 लिख देते, एक जीरो बैठा देते, वही आपका आंसर आ जाता, मेरा लाभ का रहता। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जैसा गुणनखंड के विधि से, जैसे कि आपका क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा दूसरा सवाल में, आप देखेंगे बुक में 144 रहेगा विक्रय मूल, तो इसको जो गुणनखंड तोड़ेंगे 8 8 44 से तोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। गुणनखंड हमेशा बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट डिजिट सेम है, ये आपका लाभ का आंसर है और ये आपका हानि का आंसर है, हानि का आंसर है, इस पे जीरो बैठा देंगे, 180 हानि होगा तो हो जाएगा आंसर, लाभ होगा तो 80 आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका 39 का क्वेश्चन है आपके बुक में, आप बुक में चेक करें, आपका आंसर आएगा 33 39, 13 × 3, ये लाभ का आंसर आपका निकलेगा, लाभ का आंसर 30 होगा, हानि रहेगा क्वेश्चन में, हानि रहेगा तो 130 होगा। इस तरह से आपका इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर। अच्छा